अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं डॉक्टर अब्दुल बारी नायक, एक सोशल एक्टिविस्ट। आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये सोसाइटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर फर्स्ट, 10th एग्जामिनेशन हो रहा है, 12th क्लास का एग्जामिनेशन हो रहा है। इससे पहले ग्रेजुएशन वालों ने एग्ज़ाम दिया या पीजी वालों ने, मे बी इस वीडियो से कोई स्टूडेंट फेल होने से बच जाए, खुदकुशी करने से बच जाए, हो सकता है किसी टीचर को सीख मिले कि वो जो इवॉल्वेट कर रहा है उससे वो बच जाए, वो गलत इवॉल्वेशन या कैलकुलेशन में गलती हो रही है, हो सकता है कोई जो अपडेट कर रहा हो रिजल्ट उसको गलती होती है उससे वो बच जाए, या हो सकता है कि आप लोगों को मैं ये बता दूं आरटीआई से सिस्टम में कितने फ़ायदे मिलते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता चले और आपके हुकूक आपको पता चले। मैं कोई शेर बब्बर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई डिप्टी सरपंच हूँ, ना ही मैं कोई आपको एंटरटेन करने के लिए हूँ, ताकि क्योंकि आप लोगों को ये आदत है बब्बर शेर आ जाए या एंटरटेनमेंट के लिए कोई भी आ जाए आप उसके वीडियो को मैक्सिमम शेयर करते हो, लेकिन जो रियल इश्यूज सोसाइटीज़ में होती है, एजुकेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप कभी शेयर नहीं करते हो। हम्बल रिक्वेस्ट हर एक स्टूडेंट से, हर एक जो भी यहाँ का इंसान है J&K का, प्लीज़ ये शेयर करो ताकि हर एक टीचर को पता चले कि वो इवॉल्वेट कैसे करे, उसका रोल क्या है और स्टूडेंट के क्या क्या हुकूक है, वो सब मैं इसमें बयान कर। मेरे इस वीडियो में दर्द है क्योंकि जो हमारा कौम है ये दर्द में डूबा हुआ है। कभी आपको पता है एक साइड से हमें प्रॉब्लम होती है, फिर दूसरे साइड से, फिर एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे बच्चे मैक्सिमम फेल होते हैं, तो उनका दर्द कोई नहीं जान पाता है। इसलिए उस मजलूम कौम की मैं एक आवाज़ बनता हूं और एक आवाज़ बनना चाहता हूं, लेकिन बस आप प्लीज़ इसको मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा दीजिए। आपने ये हर एक ने सुना होगा, कोलैप्स ऑफ एजुकेशन इज कोलैप्स ऑफ नेशन। मीन्स अगर किसी भी नेशन को बर्बाद करना है उसके एजुकेशन सिस्टम में आप नकल डाल दीजिए, उसके एजुकेशन में आप ऐसी चीज़ें डाल दीजिए जिससे वो पूरी कौम तबाह हो जाए, वही हो रहा है। अब देख लीजिए, मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी आप हर एक जीरोक्स के लिए अप्लाई कीजिए ताकि आपको खुद की रियलिटी पता चले ये आपने लिखा क्या है और क्या नहीं। मीन्स दूध का दूध और पानी का पानी निकल जाएगा। आप चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, थर्ड में हो, फोर्थ, फिफ्थ या सिक्स्थ में, आपसे मैंने रिक्वेस्ट बार बार की थी जीरोक्स के लिए अप्लाई कीजिए। कल वैसे ही एक लड़का सोपोर से था, मुसैब नाम है, वो गया यूनिवर्सिटी सेकंड सेमेस्टर का, EVS का पेपर डाला उसने। ऑल दो वो पास था, उसके 27 मार्क्स थे EVS में, लेकिन जब वो गया यूनिवर्सिटी वालों ने जब उसको पेपर दिखाया वो उसका पेपर था ही नहीं। उन्होंने जो 27 मार्क्स चढ़ाए किसी और के पेपर पे, और जो इसका पेपर कल देखा उसमें 52 मार्क्स। फिर यूनिवर्सिटी ने इससे वापस छीना पेपर, कहा नहीं हम पेपर नहीं देंगे लेकिन आपको हम मार्क्स दे देंगे, आप प्लीज़ ये राज राज ही रखने दो, हमें ऑफिशियल्स मतलब एक्शन ले लेंगे। वो बेचारा आ गया वापस, उसके बाद क्या किया उसने, मुझे फॉरवर्ड किया, मैंने कंट्रोलर साहब को कल फॉरवर्ड की ये मैसेज, मैंने सीधे उसका रोल नंबर भी दिया और आज मैंने उनसे कहा आप खुद चेक कीजिए इसकी कॉपी। अब कल अगर देखेंगे, अब कल देख लीजिए इसका रिजल्ट जब आप इंसर्ट करेंगे, क्योंकि मैंने कल ही स्क्रीन सेव करके रखा था, जब इसका हम रजिस्ट्रेशन नंबर देते हैं 501 SP 2021, आप इसका रिजल्ट खुद ब खुद आपके सामने अब शो हो रहा है कि क्या है, देख लीजिए। मुसैब साहब के मार्क्स जो है BA सेकंड सेमेस्टर में May-June 2022 को दिया है पास 8.27 और EVS में इसके 27 मार्क्स है। ये कल का रिकॉर्ड किया गया है स्क्रीन, यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर का स्क्रीन सेवर से मैंने ये रिकॉर्ड किया है। अब देख लीजिए, अब जब मैंने आज दिन में इनको फॉरवर्ड किया कंट्रोलर को, बाकी लोगों को, अब देख लीजिए, अब मैंने स्क्रीन सेव दोबारा किया, अब मैं इसका रोल नंबर एंटर कर रहा हूँ, अब EVS में देख लीजिए 52 मार्क्स। आप खुद शॉक हो जाएंगे कि ये क्या सिस्टम है। अब देख लीजिए दूसरी जगह, जब ये स्टूडेंट ने जीरोक्स के लिए अप्लाई किया, वहाँ फर्स्ट पेज पर ही देख लीजिए इसके जो कैलकुलेशन है टोटल मार्क्स का, ये इसको लिखी है इवॉल्वेटर ने 27, लेकिन जब कैलकुलेटर सामने रखेंगे तब आप कैलकुलेट करेंगे ये 29 आता है, हो गए 2 मार्क्स यहीं पे कम। उसके बाद इवॉल्वेटर ने क्वेश्चन नंबर 8 इवॉल्वेट किया ही नहीं, जब क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है इवॉल्वेट नहीं किया, मे बी उसको 2-3 और मार्क्स मिल जाते, मे बी अगर इसको 33 मार्क्स होता और ये 3 या 4 मार्क्स की वजह से फेल होता। आप खुद देख लीजिए, इसका एक साल हम बर्बाद कर रहे हैं लेकिन सीरियसली हम ना कैलकुलेट कर रहे हैं ना इवॉल्वेट कर रहे हैं, क्या फायदा, हमें हर एक कॉपी में 25 रुपए मिल रहा है, ये हम हलाल की रोटी खा रहे हैं या हराम की, आप खुद सोचिए। बात करूंगा कश्मीर यूनिवर्सिटी की हो
या आपके 10th की हो, 12th की हो, पीजी एग्जाम की हो, उसमें कैसे कैसे लूप होल्स होते हैं और कैसे कैसे स्टूडेंट सफर हो रहे हैं। ऐसे बहुत लूप होल्स है, ऐसे बहुत सारे केसेस है जिसकी वजह से अभी जो चाहे बीजी सेकंड सेमेस्टर का रिजल्ट हो, थर्ड हो, फोर्थ हो, फिफ्थ हो, सिक्स्थ हो, बहुत सारे बच्चे सफर हुए या इवन अब 10th का होने वाला है या 12th का होने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स फेल होते हैं या आप लोगों की गलती, एक छोटी गलती की वजह से उनका कैरियर बर्बाद होता है। मेरी रिक्वेस्ट है, चाहे वो एक टीचर हो, चाहे वो एक इवैल्यूएटर हो, चाहे वो कंप्यूटर ऑपरेटर हो, या उनकी नॉन सीरियसनेस की वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स इवैल्यूएशन में होती है। मेरी तमाम टीचिंग कम्युनिटी से रिक्वेस्ट है, चाहे वो प्रोफेसर्स हो, चाहे वो टीचर्स हो, चाहे कोई भी हो, या कंप्यूटर ऑपरेटर्स जो कॉलेजेस में, स्कूल्स में काम करते हो, आपकी छोटी गलती की वजह से किसी बच्चे की जान जा सकती है, वो सुसाइड कर सकता है, आपकी छोटी गलती की वजह से उसका एक साल जाया हो सकता है, वो फेल हो सकता है, या आपकी छोटी गलती की वजह से उसका कैरियर बर्बाद हो सकता है। ये सिर्फ उस बच्चे का कैरियर नहीं है, ये उसकी पूरी फैमिली डिस्ट्रॉय हो सकती है, डिस्ट्रैक्ट हो सकती है। हम्बल रिक्वेस्ट है, आप अपनी सीरियसनेस दिखा दीजिए और उन जब भी आप मार्किंग कर रहे हो, जब भी आप इवैल्यूएशन कर रहे हो, या जब भी आप कंप्यूटर पे चढ़ा रहे हो, ये समझ लीजिए ये आपके अपने बच्चे हैं, ताकि आपसे कोई गलती ना हो जाए। अब कश्मीर यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऑफिशियल्स का ये गिला है कि मैं उनके खिलाफ बार बार वीडियो दे, मुझे कोई शौक नहीं है उनके खिलाफ बोलने का, और मैं ये सिर्फ कश्मीर यूनिवर्सिटी के खिलाफ नहीं देता हूं, यहां डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने रहबर खेल के साथ इनजस्टिस किया, मैंने तब आवाज उठाई। 2016 से मैं सिस्टम में हूं, जब भी आप गलत पेपर डाल देते हो या पेपर लीक होता है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। जहां पर भी इनजस्टिस होता है, करप्शन होता है, मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता हूं। क्या मेरे फ्रेंड्स नहीं है कश्मीर यूनिवर्सिटी में? क्या मेरे रिलेटिव्स वहां काम नहीं कर रहे हैं? मैं उनका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, क्योंकि हमारी जो जमीनें हैं एक साथ तो नहीं है जिसपे हमारी दुश्मनी हो या रिलेशन में कोई दुश्मनी हो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सिस्टम के खिलाफ हूं और जब तक सिस्टम फॉल्टी है तब तक मैं उसके खिलाफ आवाज उठाता रहूंगा। अब यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स कहते हैं हम इंसान ही है, हमसे गलतियां हो सकती है, टाइपिंग एरर हो सकते हैं या बाकी चीजें हो सकते हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, मैं भी सिस्टम में था, हेड ऑफ डिपार्टमेंट कुलगाम में 2018-19-20 में था, वहां पर 1400 स्टूडेंट्स थे। ये कोई भी सुन के चेक कर सकता है कि मैं गलत बोल रहा हूं या सही बोल रहा हूं। थर्ड सेमेस्टर में डिजास्टर मैनेजमेंट 1400 स्टूडेंट्स थे, उसके साथ प्रोफेसर नजार जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे वो दो कॉलेजेस को चलाते, दमहाल और कुलगाम। उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट का एग्जाम करना है, मैंने पहले 2-3 हफ्ते डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ाया कुलगाम कॉलेज को, उसके बाद जब हाफ टाइम होता था, 1 बज जाता था, मैं दमहाल कॉलेज जाता था उनको पढ़ाने के लिए। आप किसी से भी पूछ सकते हो। जब मैंने 1400 कैंडिडेट्स कुलगाम कॉलेज में इवॉल्वेट किए, उसके बाद मैंने रिजल्ट चिपका दिया 3 बार बोर्ड पे, और हर एक स्टूडेंट को कहा अगर किसी का 1 भी मार्क्स कम है वो मेरे पास आ जाए, मैं दोबारा चेक करूंगा। 3 बार जब मैंने वहां करेक्शन की, उसके बाद मैंने अपलोड किया, क्या उनमें से कोई एरर में आया? क्या उनमें से, आज तक मैंने 7 साल सिस्टम में काम किया, क्या किसी स्टूडेंट ने ये कहा कि सर ने मुझे 1 भी मार्क्स कम दिया? इवन दमहाल कॉलेज में जब उनको लगा कि ये इतना ऑनेस्ट है, वहां के HOD ने मुझे इवॉल्वेशन करने से मना किया, और उस दिन किसी अपने फ्रेंड को लाया और वहां पर बहुत धांधली हुए, बहुत सारे स्टूडेंट्स को फेल रखा गया। मुझे बहुत दुख है उस दिन, क्योंकि मैंने उनको 2 हफ्ते पढ़ाया, उसके बाद 2-3 स्टूडेंट्स के साथ उस HOD ने इनजस्टिस किया। उसके बाद मेरे ही कॉलेज में एक कंट्रेक्चुअल ने एक दिन एरर किया, प्रैक्टिकल में 2-3 बच्चों को फेल कर दिया, उसके बाद मैंने हायर अथॉरिटीज को लिखा, उसके बाद उसको कभी भी कॉलेज में मैंने परमिट नहीं किया। मैं भी तो एक ऑफिशियल था, आप लोग कहते हो कि आपसे गलतियां नहीं होती है, उसके बाद आप मुझे अब डराते हो कि हम FIR लॉज करेंगे। मैं ऑलरेडी 1.5 साल जेल में रह चुका हूं, ऑलरेडी मुझे जब अपने जॉब की डर नहीं थी तब मैं लोगों के हक में आवाज बुलंद करता था। इवन आप लोगों को खुद पता होगा, वहां कुलगाम कॉलेज के प्रोफेसर्स को पता है कि एक दिन 17 बंदूकें खड़े हो गई, कहने लगी इस लड़की को नकल करवा दो। मैंने तब उससे नकल करने नहीं दिया, मैं तब डट के रहा वहां, मुझे तो डर नहीं है किसी का, और भले ही मेरी जॉब चली गई लेकिन हक पे तो लड़ता हूं। उसके बाद आप खुद देख लीजिए, आप मुझे डराते हो FIR, इससे मुझे कोई डर नहीं। अगर कश्मीरियों के लिए मुझे सूली भी चढ़ना पड़ेगा, हक की बात बोलनी पड़ेगी, जो कॉन्स्टिट्यूशन में है वो बोलना पड़ेगा, उसके लिए मैं तैयार हूं, मुझे कोई भी टेंशन नहीं है, मैं हक के
साथ खड़ा हूं और जुल्म के खिलाफ मैं आवाज उठाऊंगा। उसके बाद क्या कश्मीर यूनिवर्सिटी से मेरी कोई दुश्मनी है? नहीं, मैं सिर्फ इनजस्टिस जो हो रहा है उसके खिलाफ हूं। आप पता भी कर लीजिए। और कश्मीर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स को क्या लगता है कि मैं सिर्फ आपके खिलाफ वीडियो देता हूं? आपके जैसे 10-20 केसेस पर डे आते हैं और चले जाते हैं वो आराम से। वो कहते हैं आपने आरटीआई की। हायर ऑफिशियल्स जो भी करप्टेड है उसके सिस्टम में मैं आरटीआई करता हूं। मैंने इवन आपको ही आरटीआई नहीं की, मैंने हायर एजुकेशन को आरटीआई की और उनसे बोला है 80% हर एक कॉलेज में फेल हो गए। फिर आपका तो डेडवुड वहां पर है, उसको क्यों नहीं निकाल रहे? नए बच्चों को, नए जो अनएम्प्लॉयड यूथ है उसको अपॉइंट कर लीजिए, या कहां पर फॉल्ट है? ये मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे। मैं हायर ऑफिशियल्स को ही क्वेश्चन पूछता हूं, मैं आपके ही पीछे नहीं पड़ा हूं। उसके बाद प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने हक के लिए, हर एक स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, अपने हक के लिए आप खुद आवाज उठाइए। मैं आप की डाल बन के आपके सामने खड़ा हूं, लेकिन जब तक मुझे पता नहीं चलेगा आपके साथ कहां पर इनजस्टिस हो रहा है, मैं कोई आवाज नहीं उठा पाऊंगा। मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूं। कभी भी आप जस्ट एक मैसेज डाल दीजिए कि हम इस प्रॉब्लम में है, यहां पर हमें ये प्रॉब्लम हो रही है, मैं वहां पर आप लोगों के साथ हूं। लेकिन सिर्फ जहां पर हक की तलफी हो रही हो उस जगह मैं आपके साथ हूं, हर जगह। और अब मेरी रिक्वेस्ट है, जितने भी टीचर कम्युनिटी है, प्रोफेसर्स हो, इवाल्वेटर्स हो, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, जितने कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो, प्लीज आप दिल लगा के सीरियसनेस के साथ अपलोड कीजिए डेटा। आप जब भी कोई कॉपी इवाल्वेट कर रहे हैं, ये समझिए ये आपके बच्चे हैं और आपके रियल बच्चे की आप इवाल्वेट कर रहे हैं कॉपी, फिर इनजस्टिस नहीं होगा। देखिए मैंने भी इवाल्वेशन किया है, मैं जब भी इवाल्वेशन के लिए कॉपी ले आता था, मैं सैटरडे को ले आता था, इस कमरे से मैं बाहर नहीं निकलता था एग्जैक्टली मंडे तक, क्योंकि मैं सोचता था अगर मूड स्विंग हो गया तो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी इवाल्वेशन में, मैं इनजस्टिस करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे सजा देगा। ऐसे ही आप भी रहिए, चीज आप भी तो सिस्टम में हैं, और सिस्टम में हर एक पब्लिक सर्वेंट हो, वो चाहे कश्मीर यूनिवर्सिटी की वीसी साहिबा हो, वो चाहे कंट्रोलर हो, सर्विस आपको देनी है वो जस्टिस के साथ स्टूडेंट्स को अवेल कीजिए, ताकि आपकी जो रोजी है वो हलाल हो जाएगी और आप जस्टिस करेंगे कौम के साथ। बाकी थैंक यू।